दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर दो फाइनल अपडेट्स निकल के आई जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला दोस्तों अपडेट जो जुड़ा है वो जुड़ा है वेदर फॉरकास्ट को लेके। अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को हमें मिलने वाला इस टेस्ट मैच में, और सबसे बड़ा कारण दोस्तों यहाँ पे ये है कि डेली हमें रेन शावर्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस दोस्तों बताना चाहूँगा कुछ दिनों पर हमें जो है थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक बड़ी वजह निकल के आ रही है जिसके चलते ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि जो छठा दिन है यानी कि रिजर्व डे वो ऑलमोस्ट यूज़ होता हुआ नज़र आएगा हमें इस टेस्ट मैच में। बट दोस्तों यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर छठा दिन यूज़ होता है तो ऐसे में हमें कन्फर्म विनर देखने को मिल सकता है इस फाइनल मैच का। अब दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। अब एक्सपर्ट्स की माने जाए तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे दावे किए हैं कि जो भी टीम पहले गेंदबाजी करती है उनके लिए पहले 20 ओवर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बॉल सीम भी करेगा और बहुत ज़्यादा स्विंग भी करेगा, तो ऐसे में जो विरोधी टीम रहेगी जो कि बल्लेबाजी करेगी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पहला 20 ओवर। तो ऐसे में दोस्तों टॉस का महत्व भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। हालांकि यहाँ पे दूसरी ओपिनियन ये भी निकल के आई कि जो बल्लेबाजी टीम है अगर वो बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है पहली इनिंग्स में तो ऐसे में उस टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये दो अपडेट्स, आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।